बाद आपके पास यानी कि फॉर्चुनर कार आ जाएगी, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग, मेरा नाम अमित, आप मेरे चैनल देख रहे हो GTA Gamers, तो वेलकम टू GTA Gamers मोड्स। तो आज थोड़ा सा मोड्स बोल दिया हम लोगों ने, तो आज हम चैनल का नाम तो कब का हम लोगों ने चेंज कर दिया है, तो इसलिए चेंज किया हुआ कि हमारे चैनल यानी कि देख नहीं रही थी तो अभी देखना स्टार्ट हो चुकी होगी शायद, मैंने भी चेक नहीं किया हुआ है तो मेरे को लग रहा है कि शायद हो गया होगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई टोयोटा की जो हम लोगों को फॉर्चुनर जो भी कार हम लोगों को देखने की हो यानी कि इसके लिए यानी कि आप लोगों को चाहिए रिप्लेसमेंट कैसे करें हम लोगों कार को, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई रिप्लेसमेंट कैसे करें, तो मैंने सोचा था कि भाई आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा, तो मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ। तो इधर आप लोगों को टोयोटा की फॉर्चुनर 2070 वाली जो कार है वर्जन है 1.0 वाली, तो मैंने सोचा कि यही आपको रिप्लेसमेंट करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट की क्या क्या जरूरत है मैं आपको बता देता हूँ। एक मेनू ड्राइवर, ओपन आईवी और कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन इसका जो मोड का सबको लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर जाके भी आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो सिंपल यानी कि ये आ जाए, उसके बाद आपको क्या करने का आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करने का वो आपको मैं बता देता हूँ। डाउनलोड जैसे ही हो जाता है तो उसका आप लोगों को फाइल मिलेगी, फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। फाइल को जैसे ही एक्सट्रैक्ट करते हो तो इधर आप लोगों को यानी कि तीन ऐसी फाइल आती है कि भाई जो रिप्लेसमेंट करने के लिए, ठीक है। तो नीचे आपको सिंपल यानी कि ओपन आईवी को ओपन करना है, एडिट मोड ओपन करने का। ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करने का, आपने जो कॉपी नहीं किया होगा तो ही आपको करने का ये सब कुछ, बाकी नहीं करने का, ठीक है। तो इधर के साइड आपको x64e.rpf फाइल जो लिखा होगा उसको डबल क्लिक करने का है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इधर शो इन मोड्स यानी कि जो हम लोगों ने डाल दिया है मोड्स के फोल्डर में, तो इधर आप लोगों को इधर लिखने को भी आएगा कॉपी टू मोड्स फोल्डर, ठीक है, ऐसा लिखा आएगा, ठीक है। तो हम लोग यानी कि मोड्स फोल्डर पर चलते हैं हमारी, जैसे कि हम लोगों को डाउनलोड हो चुकी है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो वाला जो इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो x64e.rpf को क्लिक कीजिए, उसमें जाने के बाद आप लोगों को क्या करना, तो आपको यानी कि नीचे इंस्टॉलेशन कैसे करने का वो आपको थीम में बता देता हूँ। तो इधर आप लोग देखोगे तो मोड्स फोल्डर x64e.rpf लेवल्स GTA 5 vehicles.rpf इधर लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ना चले तो इधर आप लोगों को नीचे PDF आपको सॉरी नोटपैड में हम लोगों को दिखने को मिल जाएगा, तो ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करने का मैं आपको बता देता हूँ, लेवल्स में जाने के बाद GTA 5 को जाने के बाद आप लोगों को जाने का vehicles.rpf में क्लिक करने का है। इधर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यानी कि यही करो, उसको सिंपली इसको जो रिमूव करते हैं यानी कि जो नाम चेंज करने का वही नाम को यानी कि इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इधर हम लोगों ने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर आप लोग सर्च में यानी कि डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। एंटर जैसे करोगे यानी कि ये नाम आ चुका है रिप्लेस ही करने का, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यानी कि जो लास्ट वाली जो फाइल्स है उसको हम लोग यानी कि रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोगों ने किया और इधर हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। यानी कि तीनों तीन फाइल आनी चाहिए, यानी कि एक ही फाइल नहीं आनी चाहिए। तो पीछे वाला जो है उसको निकाल देता हूँ मैं। तो इधर हम लोग सर्च मारेंगे, तो अभी तक नहीं आया हुआ है यानी कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर से हम लोग यानी कि करते कि आगे वाला जो नाम था यानी कि दो बार आ चुका है, तो इसलिए हम उसको हटाएंगे। तो ये फाइल आ चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो लिखा हुआ फौजेदारी वाला उसको ही रहने देते और सर्च मार देते हैं। तो ई हम लोग यानी कि लिख देते हैं यहाँ के पीछे के साइड और सर्च में हम लोग मारेंगे तो यानी कि फर्जेटर के जो भी फाइल्स होगी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो fargeta.yft और नीचे hiyft लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसमें आप लोग क्लिक करोगे, जो इसमें डाला हुआ होगा यानी कि जो उसमें यानी कि GTA 5 में जो रनिंग होगा यानी कि ये मॉडल है, ठीक है। इसको आप लोगों को रिप्लेसमेंट करने का अपने गेम की मेन डायरेक्टरी, जो लास्ट वाली जो फाइल उसको आप लोगों को नहीं करेंगे कॉपी और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा लोड लेगा, लोड लेने देने का है और हो चुका आपकी फाइल, ठीक है। तो उसको आप लोगों को ऊपर वाला जो फाइल के फजट जो लिखा हुआ यानी कि फॉर्चुनर में यानी कि वो आ चुका है, ठीक है। पूरा ही यानी कि आप लोगों को लुक देखने को मिल रहा है। तो नीचे वाले आप लोग फाइल को क्लिक करोगे ये वाली, तो इसमें भी आप लोगों के यानी कि मॉडल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरा ही आप लोगों को इधर देखोगे पूरा यानी कि रिप्लेसमेंट हो चुका है। तो आपको क्या करने का, अभी जो इसका जो नाम है फजटा वाला, तो एक बार कागज़ में यार कोई फोटो यानी कि पार के यानी कि मेनू टेबल को ओपन करने का है, ठीक है। तो अभी हम लोग गेम को ओपन करते हैं फटाफट से, तो आपको मैं बताता हूँ गेम प्ले।
अभी सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करने का वो आपको मैं बता देता हूँ, और उसके साथ साथ भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो F8 आप लोगों को ओपन कीजिए मेनू ड्राइवर को। मेनू ड्राइवर जैसे ही ओपन होता तो आपको क्या करना है, व्हीकल्स ऑप्शन जाने के बाद आप लोगों को सिंपली जाने का है व्हीकल स्पॉनर। स्पॉनर में जाने के बाद आप लोगों को जाना है इनपुट मॉडल्स, ठीक है। तो जो आप लोगों ने जो नाम लिखा हुआ था जो फाइल वाला, तो आपको सर्च मारने का, तो मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ। तो FUGITIVE, ठीक है, ऐसा आप लोग लिखोगे तो और एंटर मारोगे तो आपके पास यानी कि फॉर्चुनर कार आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप लोग यानी कि जैसे करते हो तो आपको पूरा यानी कि इधर आप लोगों को लुक आपको प्रोवाइड करवा रहा है कि अंदर का इंटीरियर भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई डायरेक्टली बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अंदर का इंटीरियर आप लोग एक बार देखोगे पूरी तरीके से, नीचे के जो कंपनी ने बनाया वो उसका कंपनी का लोगो है, पीछे का साइड यानी कि 3 लोग आ सकते हैं, आगे का साइड 2 आ सकते हैं। तो पूरा लुक एकदम परफेक्टली हम लोगों को ले रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है, स्टीयरिंग व्हील भी कम्प्लीट है, टोयोटो का लोगो भी है, एकदम परफेक्टली है। तो सिंपली अभी चला के देखते हैं यार, साउंड एक बार देख लीजिए। तो पूरी बॉडी मूवमेंट हो रही है तो नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आपका चाहिए था इसलिए मैंने लेके आया हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट से। तो अभी आप स्पीड देखोगे, स्पीड में भी कुछ भी फर्क नहीं है, यानी कि एकदम साधारण स्पीड है जो हमारे यानी कि जो टोयोटा का जो फॉर्च्यूनर मोड है यानी एकदम परफेक्ट है। और उसमें आप लोग उबर ड्राइविंग भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने मोड हम लोगों ने डलवाया था आप लोगों को, तो यानी कि वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से यार मोड डाल दीजिए उबर वाला, और आपको बता भी सकते हो कि भाई हम लोगों ने फॉर्च्यूनर ली है, उबर ड्राइविंग भी हम लोग करने वाले हैं जल्दी से ही। तो फटाफट से आप लोग यानी कि एक बार डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद मेरे को कमेंट में जाना है कि भाई कैसा आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ओ से ठुक गए, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट में आपको जाके आप लोगों में बता दो भाई एग्जैक्ट स्पीड क्या है आप, और एग्जैक्ट यानी कि आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इधर हम लोग जाएंगे शायद, इधर हम लोगों ने गाड़ी भी रखी हुई है पर्सनल ऐसा लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, इधर हम लोग चलते हैं और करते हैं टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट हो जाने के बाद वो अच्छा, ये फरारी वाली जो कार है उसी की बातचीत अभी हो रही थी। तो फरारी कार को हम लोगों ने लॉक किया होता इधर, इसलिए यानी कि फरारी का जो आप लोगों ने नहीं देखा था जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। और ग्राफिक आप लोगों को कैसा दिख रहा है वो भी मेरे को बताना, यानी कि ग्राफिक वाला जो मोड आता है वो मैंने बिल्ड किया हुआ था अंदर के साइड इसलिए। तो कोई बात नहीं है, तो फटाफट से हम लोग यानी कि इधर रनवे पर हम लोग स्टार्ट करते, कितनी गेयर हम लोगों को मिलती है सब कुछ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो थोड़ी देर शांति रखना, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो ये 1 2 3 गो। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया पूरी तरह से, यानी कि टोयोटा की यानी कि पीछे का साइड लुक भी बहुत ही अच्छा बढ़िया सारी है, और नीचे का साइड स्पीड भी आप लोग देख सकते हो कितनी आ रही है। टोयोटा बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है अभी फिलहाल, तो यानी कि चौथी गियर में है और मेरे को लग रहा है 130 छुएंगे, 130 तो हम लोग छो चुके हैं। तो और ये 140 जाएगी तो शायद 140 भी क्रॉस करके, अभी रेड लाइट तो नहीं आई हुई है, तो सिंपल अभी आगे भी आ चुका है, यानी कि 143 लास्ट स्पीड उसकी है 143, यानी कि बॉडी मूवमेंट हो रही है बहुत ही ज़्यादा ही, यानी कि हिलक डुलक हो रही है बॉडी का। कोई बात नहीं, मोड तो अच्छा है, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई फजत आप लोग लिखोगे यानी कि मोड डालने के बाद जैसे ही हो ही जाएगा, 99% मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि स्पीड एक बार आप लोग देखें, बढ़िया से स्पीड है उसकी भी, और फरारी की तो बात अलग ही है यार, फरारी तो फरारी यानी कि स्पीडों में यानी कि, तो इसका बॉडी हैवी इसे इसलिए कि स्पीड नहीं पकड़ रही है, 143 तो आराम से निकल रही है, ठीक है, यानी कि 143 से आगे नहीं जा रही है। तो 144 अभी हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, कमेंट नहीं करो तो कमेंट भी कर, सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब भी कर दिए, और जल्दी से इसकी गाड़ी को भी आप लोग डाउनलोड कीजिए, यानी कि जो टोयोटा का फॉर्च्यूनर है उसके रिप्लेस वाला, तो डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। और सोमवार से आप लोगों को मैं सीरीज बताने वाला हूँ, यानी कि एक वीक तक यानी कि जो गाड़ी हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि पूरा ही यानी कि गाड़ी का आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा, और मैप हम लोग जो डाउनलोड करते हैं तो मैप का ही आपको एक यानी कि एक हफ्ता आपको दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाके आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमारा हो चुका है 26,000 व्यूज कंप्लीटेड, और मैंने फेसबुक में भी यानी कि डाल दिया यानी वो सर्टिफिकेट जो देता है ट्यूब बड़ी वाला, वो भी हम लोग डाल, इस वीडियो के एंड यानी कि स्टार्टिंग में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से यानी कि वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और हमारे यानी कि 66 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, फटाफट से 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए महीने के अंदर अंदर, कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट नहीं करो तो कमेंट भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय।